शीतकालीन बसना बंद होगा कल से। एक दो के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, शासन हो चाहे प्रशासन हो इस तरीके की कार्रवाई नहीं करेगा। ऐसा होता है गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट के नियम में ऐसा हो रहा है, देशद्रोह लगने के बाद भी आप लगा ले रहे हैं। ये देखिए ना, अभी तो आपके यहाँ लगाए, आपके यहाँ लगा चुका है, तीन दिन से आपके यहाँ जा रहे हैं, आप हैं ही नहीं, क्या करेंगे बताइए। हम आप लगा दिए, मैंने आदेश दिया भाई, मेरे न्यायालय से, मेरे ही न्यायालय से आदेश दिया, हायर कोर्ट में भी स्टैंड हो गया, अब फिर मैं थोड़ी सुनूंगी तो प्रक्रिया के लिए मैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपके सामने छोटा है, न्यायालय का आदेश बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है डबरी पार्ट में किसी तरीके का निर्माण कार्य नहीं होगा, पर आप लोगों द्वारा निर्माण कार्य कराया गया है डबरी पार्ट में, जिसको आप संरक्षण में रखते हुए। तहसील ऑफिस से आप चालू कीजिए, बिहार न्यायालय से चालू कीजिए, आप लोग हम लोग हटने का तैयार है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है डबरी पार्ट का, सबसे पहले डबरी पार्ट टूटेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालन कीजिए ना, पहले जो आज से 20 साल पहले सुप्रीम कोर्ट आदेश कर दिया। इसी चीज को मैं ही बता रहा हूँ, जो आदेश, आदेश चल रहा है, केस चल रहा है, केस नहीं चलता तो हम लोग कुछ नहीं बोलते। आप लोग केस तो पूरा पसला का है, आदेश का मैंने भी लगा के रखा है, मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ बघेल के साथ। जिसका आदेश होगा पहले कारण किसी का होगा, आप ले आइए ना वहाँ का भी आदेश, बिल्कुल आप जिसको हटाने के लिए आप आदेश, हम मेरे को तो कौन बन पा रहे हैं, आप जहाँ जहाँ कभी बोलेंगे बिल्कुल नहीं तो आप हटा देने के बाद हम लोग के पास क्या बचेगा सर, आप इसको देखिए ना पहले मैम, आप नहीं देखना चाह रही है अलग मैटर है, है ना, अब हम नहीं देखना चाह रही है अलग मैटर है। कल जब अनिश्चितकालीन बसना बंद होगा, अपने आप वो आवाहन होगा ना, ठीक है ना, राष्ट्रीय बजरंग दल आपके साथ है, किसी भी परिवार के साथ राष्ट्रीय बजरंग दल अनिश्चित नहीं होने देगा, इस चीज के लिए चाहे शासन बीच में आ जाए, चाहे प्रशासन बीच में आ जाए, चाहे वो कांग्रेस सरकार आ जाए, चाहे स्वयं भूपेश बघेल बीच में क्यों ना आ जाए, पर किसी के साथ अनहित नहीं होने देगा राष्ट्रीय बजरंग दल, इसकी गारंटी है। लेकिन सर अभी तो हमारे ये हटाने आ गए हैं, आप तो अभी तकलीफ है, कल मैं तो वही बोल रहा हूँ, जो देशद्रोह लग चुका था वहाँ पटवारी आके रजिस्ट्री करके चला गया, कृषि भूमि लिखा गया है, निष्क्रमण भूमि को कृषि भूमि, समझ रहे हैं आप लोग सब, निष्क्रमण भूमि में कृषि भूमि दिखाया गया, आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं सब, ऐसे ऐसे हमारे अधिकारी लोग हैं हमारे, नहीं हम तो साइड हो जाएंगे मैम, आपका तो तकलीफ हमको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि आप पूरा फैसला कीजिए ना, हम तैयार बैठे हैं, नहीं बैठेंगे तो हम आपका सहयोग करेंगे, हम आपका सहयोग करने के लिए बैठे हैं सर। एक ही चीज है संजय, टूटेगा तो पूरा बसना टूटेगा, तो पूरा बाजार को तोड़ो, उसके बाद यहाँ को छूना, क्या कौन नहीं छूएगा, तुम लोग जाओ यहाँ से, मेरा कौन जाएगा, कौन कौन है, अभी बाजार में सबसे ज्यादा पब्लिक को परेशानी है बाजार का, पहले बाजार को हटाइए, हमने एसडीएम को कई बार बोल चुका है, सूचना भेज चुके हैं, उसके बाद भी नहीं होगा अभी तक। अभी हमको नगरी निकाय से अभी इनके लिए कोई परेशानी नहीं है, जब परेशानी नगरी निकाय को आएगी तब हटा दिया जाएगा। और अभी चुनाव अध्यक्ष महोदय बोल रहे हैं और इनकी बात को नहीं माना जा रहा है, आप लोग सोच सकते हैं, अध्यक्ष महोदय नगर पंचायत का प्रथम नागरिक, उसकी बात को नहीं माना जा रहा है, आप लोग सोच सकते हैं, बाजार का काम कराइए, उसके बाद इधर पहुंचवाइए, आप अभी तक सोच सकते हैं कि क्या धांधली हो सकता है, क्या हो रहा है वहाँ, मछली पसरा में सब पसरा बना, कैसे दबाव प्रेशर बनाया जा रहा है, किस प्रकार से हमको तंग किया जा रहा है, एक मुखिया आगे बोल रहा है नगर पंचायत नहीं नगर अध्यक्ष हमारा, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, यहाँ प्रथम नागरिक का ही कोई वो नहीं हो रही है, तो हम लोग किस खेत की मूली है, आम नागरिक तो परेशान है होगा ही होगा, बिल्कुल नहीं करना।
सबसे ज्यादा परेशान पब्लिक जहाँ पे है ना, मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूँ करवा दी, मैं इसको खुद हटवा दूंगा आपको, मैं बोल रहा हूँ आप बाजार को पहले हटवा दीजिए, बाजार को सफाई करवा दीजिए, परसों ढलाई हुआ है उसको आके नहीं रोक लोग दिन दहाड़े बनाया जा रहा है, दस तो आवेदन लगे हुए हैं इनका भी कार्य राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा। हेलो आओ छोटे अंदर आओ, अंदर आओ सब बंदे पर जैसे भी हम लोग ऊपर चले लेकिन उन्होंने आदेश दे दिया। देखिए अभी वो सब मैं जाने मैं बताना हमारा फर्ज है, न्यायालय का आदेश है, अभी तो आपको फिलहाल पालन करना पड़ेगा। बताइए फिर हम लोग कब मरेंगे, तब आप बताइएगा, जिसे भी चला दीजिए हमारे ऊपर फिर देखेंगे मैं। अब आपको जो इच्छा लग रही है चला है, क्योंकि आप हमारे सेवा को हम आपके शासन प्रशासन वो करने वाले हैं। 50 नहीं हटेंगे बोल रहे हैं मैडम, आपको जो करना है कर लीजिए, हमारी रोजी रोटी की बात है, हम लोग यहाँ ऐसे ही गरीब हमारे क्या रहे, बाकी जगह कब्जा वो तो नहीं दिखता है, न्यायालय में वो न्यायालय में यही जमीन क्यों दिखता है, इसमें गरीबों का रोजी रोटी चल रहा है क्यों नहीं देख रहे, आपको भी तो दिखाई दे रहा है ना, इतना जमीन कब्जा है उन लोग को नहीं दिखाई दे रहा है, वो शासन की नाक के नीचे कब्जा हो रहा है, तहसील ऑफिस के सामने उसको कब्जा करवा रहे, वो तो क्या बोलोगे, मैं तो बोलूंगा शासन के संरक्षण में हो रहा है कब्जा, संरक्षण दे रहा है कब्जा करने के लिए शासन, सालों से तो आपत्ति नहीं जता रहे थे, अभी आपत्ति जता रहे, नहीं हटेंगे मैडम, आप बुला लीजिए, जैसे भी अपने ऊपर से जाएगा फिर दुकान खुलेगा, पहले हमारे लाशों से जाना पड़ेगा उनको, बोल लो जाओ जो बड़े अधिकारी हैं। जमीन लोग को नहीं दिखाई देता है, जिसमें रोजी रोटी कमा रहे वो दिखाई देता है, जिसमें माननीय कलेक्टर महोदय बोले मैं 3 दिन में संज्ञान लेता हूँ, हाँ। और इनके पास आदेश की कॉपी भी आई, हाँ। परंतु उसके बाद भी उसका कोई पालन नहीं है ना, नहीं पालन नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ से नहीं मिला ना। आज से 15 साल पहले गौरव सिंह जी थे, हाँ। वो निरीक्षण करे, जगह भी निर्धारित किए मटन मार्केट के लिए, उसके बाद भी कार्य नहीं हुआ, इतना गवर्नमेंट सोए की मतलब खाली, और अपना अपना अगर जहाँ फायदा दिखे वहाँ गवर्नमेंट अपना काम करेगी, सब जगह को दिखाएंगे ना भाई, सब जगह को दिखाएंगे, गवर्नमेंट के बाद पब्लिक भी तो है, पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक पब्लिक जब चुनती है पब्लिक का पैसा है, हमारे टैक्स से लोग पलते हैं, और हमको पावर दिखाएंगे क्या, हमारे टैक्स से लोगों को वेतन मिलता है और हम ही को लास्ट पार्टी बाहर निकालेंगे, नहीं नहीं हमारे टैक्स वाले से हम सब देते हो कि टैक्स के नहीं देते हो, बस तो बस तो हाँ बस तो पब्लिक टैक्स देखो भी कर लीजिए मैम, यहाँ से हम आप अपने पावर आप अपने पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे, मैं बोल रहा हूँ यार पड़ा वो तो बना पड़ा आँख से दिख रहा है उनको तो आवाज में जिसका रोजी रोटी चल आपने साफ 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 मैं बोल रहा हूँ मैडम लगा हुआ है अपने अध्यक्ष का बात नहीं सुन रहे हैं क्या मतलब का साफ साफ शब्दों में बोल दे रहा हूँ बस ऑर्डर भी लाओ तो ऑर्डर दिखाओ बोल रहा हूँ ऐसा माहौल खराब होगा बसना का कि शासन प्रशासन वो कांग्रेस प्रशासन भी इस माहौल को समाज नहीं पाएगा, आप नामाने तोड़ के देख लो, मैं बोल रहा हूँ आपको नामाने तोड़ के देख लो आप, अगर इस माहौल को क्लियर कर पाओगे आप तो बताना, वोट में रखने वाले रखे हैं, मैं बार रख चुके हैं, मैं नगर अध्यक्ष दे रहे हैं, मैं नगर अध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल से हूँ, मैं किसी पे जांच कार्रवाई नहीं होने दूंगा, ये गारंटी है मेरी, और राष्ट्रीय बजरंग दल आज से आह्वान करता है अनिश्चितकालीन बसना बंद रहेगा, और इसका जवाबदारी पूरा गवर्नमेंट की होगी, फिर और आवरण अनशन भी होगा, और यहाँ
कम से कम 20 लोग आवरण अनशन पे बैठा लूंगा मैं आप लोगों के खिलाफ। सब लोग कल से भूख हड़ताल में बैठो मेरे साथ। आज मैं सबको अभी कॉपी भेजता हूँ। बड़े बड़े अधिकारी लोग साइन यार का घर बना के टैक्स बटा रहे हैं 50,000 सालाना।